उत्तर प्रदेश में इस बार नोटबंदी के साए में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इस चुनाव में अखिलेश यादव सरकार के 5 साल के कार्यकाल पर तो मतदाता अपनी राय जाहिर करेंगे ही, मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले पर भी अपनी मोहर लगाएंगे। आइए जानते हैं कि नोटबंदी को लेकर क्या सोचते हैं उत्तर प्रदेश के मतदाता। काफी अच्छा स्टेप लिया गया था, एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं हो पाया था, बट स्टेप काफी अच्छा था। एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं हुआ लेकिन डिसीजन अच्छा है, डिसीजन अच्छा था। ये नोटबंदी जो हुई, अच्छा हुआ बुरा हुआ? नोटबंदी में बेसिकली कंसेप्ट को देखा जाए तो इट्स नॉट बैड, देयर इज नथिंग प्लस नथिंग माइनस इन इट, बट द वे इट इज इम्प्लीमेंटेड इट इज वेरी एग्जीक्यूशन पुअर है। एग्जीक्यूशन वेरी वेरी पुअर, डिसीजन ठीक है, एग्जीक्यूशन एंड प्लानिंग दोनों बहुत खराब है। It was a big suffering for most of the people all over. Every day people have been standing in queues and have been going back frustrated. कि उनको पैसे नहीं मिलते थे, इतना टाइम वेस्ट होता था और नेक्स्ट टाइम आने का कुछ सर्टेनिटी नहीं होती थी कब पैसा आएगा, क्योंकि मनी गेट्स एग्जॉस्टेड इन द एटीएम। आपको ये लगता है कि ये उत्तर प्रदेश सहित बाकी जो 5 राज्यों के चुनाव हैं नोटबंदी पे फैसला है जनता का? नोटबंदी पर ही डेफिनेटली काफी इफेक्ट नोटबंदी का पड़ेगा, बिकॉज द पीपल हु हैव एक्सपीरियंस वी विल रिफ्लेक्ट दैट इन देयर वोटिंग पैटर्न्स। नोटबंदी को लेके आपको क्या लगता है? नोटबंदी देखिए, कई दफा सरकार को बड़े बड़े कठोर कदम लेने पड़ते हैं और मेरा ख्याल नहीं हमको ऐसा लगा हो वो कि हमको कोई भी परेशानी आई हो नोटबंदी से। कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं। आंकड़े तो कोई सामने आए नहीं कितने पैसे वापस आए, कितना काला धन आया? देखिए ये इकोनॉमिस्ट के काम होते हैं, बैंक्स के काम होते हैं, हम तो इतने कंसर्न नहीं इसके लिए, पर हमको ये लगता है कि हमको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं और हमको सरकार का साथ देना है। अगर कोई अच्छा कदम नजर आता है तो हमको ब्लाइंडली साथ देना भी चाहिए। आपको ये नोटबंदी को लेकर क्या लगता है, ये अच्छा कदम है? कदम तो अच्छा, लेकिन हमें तो साफ नजर में नहीं आ रहा ना कि क्या रिजल्ट हुआ है इसका। रिजल्ट तो हमें सामने पता होना चाहिए, ये तो नहीं हो रहा है। ये तो प्रॉमिस तो बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन वास्तव में क्या हो रहा है ये पता नहीं चल रहा है।